महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कुल 48 सीटों में से सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीनों दलों के सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव बना हुआ था, हालांकि अब तस्वीर साफ हो गई है। भिवंडी सीट पर एनसीपी लड़ेगी। गठबंधन समझौते के तहत सांगली सीट शिवसेना और मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा के लिए एमवीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, नांदेड़, अमरावती, नंदुरबार, अकोला, चंद्रपुर, धूले, जालना, मुंबई उत्तर मध्य सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बारामती, शिरूर, सातारा, भिवंडी, दिंडोरी, माढ़ा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण और बीड से शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, मुंबई उत्तर पूर्व, जलगांव, परभनी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, हाथकणांगले, संभाजीनगर, शिरडी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल और वाशिम से शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अब तक 21 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया है। कुछ दिन पहले शिवसेना ने 4 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इससे पहले उन्होंने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पार्टी ने भिवंडी सीट से सुरेश महात्रे को मैदान में उतारा है और बीड सीट से बजरंग सोनाबणे को टिकट दिया है। इसके अलावा सुप्रिया सूले को बारामती लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 7 नामों में पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे का नाम शामिल है।